Hey, how's it going everyone? My name is Maripa. आज हम लोग माइनक्राफ्ट में बनने वाले एक बहुत ही ओवर पावर्ड मछुआरे। मछुआरा तो पता है ना तुम लोगों को, वो जो पानी में ऐसे करके अपनी रॉड को डालता है और वहां से बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। हाँ जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं इतना ओपी मछुआरा बनने वाला हूँ कि मैं पानी में से ऐसी ऐसी चीजें निकालने वाला हूँ जो तुम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे लिए बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था। सो गाइस, अगर तुम लोगों को इसी टाइप का कंटेंट पसंद आता तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। इस वीडियो का लाइक है गाइस 150,000 लाइक्स इन 8 आवर्स, देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। एंड कैसे, अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी चौड़ बढ़ेगी। एंजॉय द वीडियो। और गाइस, पधार चुके हैं हमारे मैजिकल वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हम लोग गाइस मछुआरा गिरी दिखाने वाले हैं। एंड किस्मत देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा अच्छी है। आज हम लोग गाइस इस वीडियो में मछुआरे बनने वाले हैं। एंड हमारा जो स्पॉन पॉइंट है गाइस, वो देखो एक पूरे के पूरे ओशन के सामने है। मतलब आज मैं गाइस यहां पर कितना ओपी मछुआरा बन सकता हूं तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। एंड गाइस, आज हम लोग यहां पर इस समुद्र के अंदर जाकर जो सामान पानी के अंदर से पकड़ने वाले हैं, वो गाइस कोई छोटा मोटा सामान नहीं होने वाला है। वो लिटरली पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं, जैसे कि पूरा का पूरा बैशन, पूरा का पूरा डेजर्ट टेंपल, पूरा का पूरा रुइन पोर्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर तुम लोग सोच सकते हो, सब आज हम लोग इस पानी के अंदर से मछुआरा बनकर निकाल सकते हैं। कितना एक्साइटिंग है ना। एंड ओहो भाई, मैंने मछुआरा बनने की बात क्या करी, गेम ने तो मुझे फ्री का चिकन ही दे दिया। वाओ, आई लाइक दिस, मुझे चीज बहुत ज्यादा पसंद। थैंक यू माइनक्राफ्ट। अब मैं इसका KFC बनाऊंगा थोड़ी देर में और फिर खाऊंगा। अब अगर गाइस तुम लोगों को लग रहा है कि तो बहुत ज्यादा आसान हो गया इसके लिए, तो गाइस ये तुम लोगों की यहाँ पर बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये चैलेंज लिटरली बहुत टफ होने वाला है, बिकॉज इन स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए हम लोगों को कस्टम फिशिंग रॉड्स क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और हर एक फिशिंग रॉड की जो क्राफ्टिंग रेसिपी है गाइस, वो अलग है, जिसके बारे में गाइस मुझे पता नहीं है, सिर्फ मेरे असिस्टेंट मिस्टर फलाना जी को पता है उसके बारे में। तो मुझे वो चीज आज यहाँ पर सबसे पहले फिगर आउट करनी है, उसी के बाद गाइस मैं ओपी मछुआरा बन सकता हूँ। एंड गाइस, वो चीज फिगर आउट करने से पहले मेरे को ना बहुत सारी नॉर्मल फिशिंग रॉड्स बनानी पड़ेगी आज। एंड उसके लिए भी मेरे को बहुत सारे स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ने वाली है। रात होने के लिए गाइस मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम है अभी। तो यहाँ पर अभी जब तक रात होती है, मैं अपने लिए फटाफट यहाँ पर टूल्स वगैरह बना देने वाला हूँ सारे के सारे। एंड आज की वीडियो के लिए गाइस मैंने एक बहुत ही मस्त चीज सोची हुई है। देखो, आज गाइस मैं इतना ओपी मछुआरा बनने वाला कि मैंने सोचा कि इस वीडियो के लिए गाइस मैं अपना नाम चेंज करने वाला हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में तुम लोग मुझे बुला सकते हो स्मार्टी पाया द अंबानी मछुआरा। ओके, बिकॉज आज गाइस हम लोग बनने वाले असली वाले अंबानी फिर से। बिकॉज आज जब मैं समुद्र के अंदर जाकर करिश्मा करने वाला ना गाइस, इस करिश्मे को देखकर बड़े से बड़ा मछुआरा भी शर्मा जाएगा। और सारे के सारे टूल्स बन चुके गाइस, अब बस रात होने का वेट करना है। बिकॉज देखो, जो हम लोगों को ये अलग अलग रेसिपीज वाली फिशिंग रॉड्स बनानी है ना, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक मेन सिंपल वाली फिशिंग रॉड की जरूरत पड़ने वाली है। उसी फिशिंग रॉड को क्राफ्टिंग टेबल के अंदर डालकर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इन ओपी फिशिंग रॉड्स के लिए। तो उसके लिए गाइस एटलीस्ट एक बार रात होने का वेट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, रात हो चुकी है बाहर और अब हमारे शिकार आने वाला है। देखो, पहला शिकार जो कि है एक क्रीपर। नहीं, क्रीपर का कोई काम नहीं है, मुझे चाहिए बस एक मकड़ी। डरा दिया, बेफजूल ने मार दिया बेचारे को। ओ भाई, यही चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इनकी। आहा, शिकार मिल चुका है। पहली बार मकड़ी को देख के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, शाबाश। ओ यस, इसने मुझे पूरी दो दी है और एक और शिकार वहाँ पे दिख चुका है। तू भी आ जा बेटा, शाबाश शाबाश, चुपचाप से मरो। ओवरऑल 3 स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, दैट इज नाइस। इसको रखेंगे ऐसे करके, इसको रखेंगे ऐसे करके। एक सिंपल वाली गाइस फिशिंग रॉड आ चुकी है। अब देखो गाइस, इसको रखना है सेंटर में और इसके आसपास में कुछ चीजों को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, जिससे मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पानी के अंदर से निकालने वाली फिशिंग रॉड मिल जाएगी। अब देखो गाइस, अगर मुझे अलग अलग टाइप की फिशिंग रॉड्स बनानी है ना, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारी सिंपल फिशिंग रॉड्स भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली बहुत सारी स्ट्रिंग्स की। मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग बची हुई है अभी, विच इज नॉट एनफ। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है गाइस तुम लोगों के हिसाब से, जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स मिल सकती है। मेरा दिमाग जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि डेजर्ट टेंपल। तो अगर मैं डेजर्ट टेंपल को निकालने वाली फिशिंग रॉड की क्राफ्टिंग रेसिपी को अगर मैं जान पाया, तो मैं उसके यहाँ पर गाइस स्पॉन करवा सकता हूँ पानी के अंदर से। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर गाइस अलग अलग गेस करने वाला उसके लिए। ओके, आजा, पहले तू आजा बेटा। ओके, आई गेस हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसे सैंड लगानी पड़ जाए, लेट्स सी। ओके, इसको रखेंगे सेंटर में। इसके आसपास अगर मैं यहाँ पर 8 सैंड्स को लगाऊंगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब सैंड की जरूरत नहीं है हमें। ओके, मेरे पास एक और प्लान है। डेजर्ट टेम्पल के अंदर के सैंड के अलावा सैंड स्टोन्स भी तो होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये सैंड स्टोन्स बनाऊंगा, जो कि कम पड़ चुके हैं, मैं और बनाने वाला हूँ। ओवरऑल 8 बन चुके हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे, अगर इसके आसपास मैं सैंड स्टोन को लगाऊंगा तो यस, डेजर्ट टेम्पल फिशिंग रॉड, यस। क्या लगता है गाइस तुम लोगों को, ये होगा कि नहीं होगा? अगर लगता होगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ओके, मैं इसको गाइस अभी यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। इधर फेंकेंगे, लेट्स सी। कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, इसके एज पे मुझे फील हो रहा है गाइस। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, और ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ
यार इसने पूरा का पूरा खेल यहाँ पे खराब कर दिया। बदसूरत कहीं का फट यहाँ से। ओह माय गॉड तुम लोगों ने देखा गाइस? ओके वहाँ पर एक मछली भी मर चुकी है भाई। ये सच्ची में काम करता है मिस्टर फलाना जी, ओपी यार। मुझे लगा था मुझे स्कैम कर रहा है वो बंदा। पूरा का पूरा डेजर्ट टेम्पल मैंने पानी के अंदर से खींच के बाहर निकाला है। दिस इज सो एक्साइटिंग। और गाइस लेट्स गो। ओके लेट्स गो, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे अंदर। ऑल राइट right. और मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि ये कस्टम है हमारा यार। डेजर्ट टेम्पल है ना यहाँ पर, देखो ये वूल लगी हुई है लाइक लिटरली। ओके साइड से जाएंगे छेद करते हुए नीचे। ओ माय गॉड वहाँ पर देखो इस डेजर्ट टेम्पल ने लिटरली अरे परे हर जगह का पानी यहाँ पर गायब करवा दिया है। नाइस इसको तोड़ेंगे और इसको भी भैया मैं निकालने वाला हूँ। और गाइस लेट्स सी इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के इंगेट्स। ऑल राइट ओके अभी तक मुझे यहाँ पर ये नहीं मिली है। शार्पनेस 3 ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा था। Oh yes, इसके अंदर गाइस बहुत सारी स्ट्रिंग है और बहुत सारे एमरल्ड्स भी है। नाइस ओके देखो मेरे पास ओवरऑल गाइस यहाँ पे ना 7 स्ट्रिंग्स आ चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊँ भाई। मैं डायरेक्ट यहाँ से जाएगा समुद्र के अंदर और यहाँ से जाएगा ऊपर। ओ माय गॉड ये कितना मस्त है यार। लेकिन ओके मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं गाइस एक और डेजर्ट टेम्पल यहाँ पर पकड़ता हूँ और बाहर निकालता हूँ। उसके अंदर से मुझे और स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। अगर मुझे 5-6 स्ट्रिंग्स और मिल गई ना तो पूरी वीडियो के लिए उतनी काफी होगी। दैट्स इट, फिर हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रिंग्स के लिए। दिस इज सो एक्साइटिंग सीरियसली। और आ रहे और आ रहे और आ रहे और आ रहे एंड ये देखो। ओह तुम्हारी आंखों के सामने एक बहुत ही मैजिकल स्ट्रक्चर एक और बार गए जाता हुआ। पर मैं बीच से क्यों जा रहा फालतू में, मैं साइड से भी तो जा सकता हूँ। सी लाइक दिस। मैं मरने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ? मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। तो भाई बच गया मरते मरते। अभी मैं बनाने वाला अपने लिए एक पूरी के ऊपर स्मोकर। स्मोकर को यहाँ डालते हैं और खाने को पकाने के लिए डालते हैं। इधर बहुत सारा कोल पड़ा हुआ है। शाबाश। ओके जब तक वहाँ पर खाना पक रहा है गाइस मैं तो यहाँ से अंदर जा रहा हूँ भाई। डायरेक्ट नीचे हमारी एंट्री हुई है। वाओ पहली बार जिंदगी में गाइस डेजर्ट टेंपल के अंदर नीचे से एंट्री हुई अपनी। देखो गोल्डन एप्पल मिल चुका है। यस थोड़ी बहुत और स्ट्रिंग्स मिली है। ओ माय गॉड कितनी सारी स्ट्रिंग्स है। और एक आखिरी चेस्ट के अंदर तो भाई साहब स्ट्रिंग्स की यहाँ पर भरमार है पूरी की पूरी। ओवरऑल 26 स्ट्रिंग्स आ चुके हैं। 13 फिशिंग रॉड्स मैं और बना सकता हूँ इसके साथ। उतने की तो आई गेस मुझे जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। दिस इज जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो नाउ गाइस। ये बोला था ना गाइस स्मार्टीफाई द अंबानी मछुआरा हूं मैं। ओके अब कोई नया स्ट्रक्चर नीचे से निकालने से पहले मैं सोच रहा हूँ गाइस क्यों ना सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर एक फिशिंग रॉड बनाऊँ सिंपल वाली। ओके ये आई सिंपल वाली फिशिंग रॉड। ऑलराइट अब गाइस तुम लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट लूट मुझे कहाँ पर मिल सकती है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर मुझे लूट मिल सकती है लाइक आयन वगैरह बहुत आसानी के साथ? मेरा दिमाग जा रहा है शिपरेक की तरफ। शिपरेक के अंदर हम लोगों को बहुत ही आसानी के साथ मिल सकते हैं ये। तो शिपरेक के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है? ओके तो गाइस शिपरेक हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर लकड़ी से बनी होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा एंड इसके आसपास लगाऊंगा तो नहीं देखो कुछ भी यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब है कि शिपरैक बनाने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं शिपरैक को बना सकता हूँ? ओके मेरा खुराफाती दिमाग मुझे बोल रहा है कि शिपरैक तो गाइस हमारी एक शिप होती है राइट, और हम लोग यहाँ पर शिप बना सकते हैं बोट बना सकते। तो शायद मुझे बोट का काम हो। एंड गलती से गाइस अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर का मैं क्राफ्टिंग रेसिपी को पता नहीं लगा पाया तो मैं उसको यहाँ पर स्पॉन नहीं करवा सकता। गाइस ये मेरा चैलेंज है एक्चुअली। मुझे ओवरऑल 8 चाहिए। ओके तो एक फिशिंग रॉड जाएगी सेंटर पे, यहाँ पर लगाएंगे हम इसको ऐसे 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 करके। यस आ गया। ओ तुक्का भाई तुक्का। ओ भाई मैं तो बड़ा ओपी बंदा हूँ यार। शिपरेक का ये आ चुका है, दैट इज नाइस। ओके शिपरेक वाली मछली आके फंस चुकी है गाइस। ये ओ भाई ये तो हवा में स्पॉन हो चुकी है। ये थोड़ा अलग ही स्कैम हो गया भाई यहाँ पे। ओके लेट्स गो इनसाइड। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ से जाएंगे भीतर। ये है ये पूरी की पूरी नीचे के लिए वर्टिकल खड़ी हुई है। नो मैं बाहर निकल गया। नहीं क्या स्कैम हो रहे भाई मेरे साथ? मतलब मुझे आज इतना ज्यादा मजा आ रहा भाई किसी मॉड के अंदर तो ऐसी हरकतें करोगे क्या? बड़े आराम आराम से मैं इसको तोड़ तोड़ के नीचे जाने वाला हूँ। ओके और इस बदसूरत छेद को बंद करो। यस मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? देखो कितने सारे आयंस यहाँ पर आ चुके हैं, कितने सारे नगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं और एक डायमंड भी आ चुका है भैया। वाओ यस एंड ओवरऑल गाइस मेरे पास यहाँ पर आए हैं पूरे के पूरे 9 आयरन किंगेट्स व्हिच इज नॉट इनफ। मुझे थोड़े बहुत और चाहिए। तो इधर ही गाइस अपने इस ओपी शिपरेक के ऊपर बैठ कर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ फिशिंग फिर से। लेट्स गो। आ गई है एक और शिपरेक हमारी। इसको भी फंसाएंगे भैया, सामने वहां पर स्पॉन हो चुकी है यार। तो टेडी स्पॉन होना बंद करो, जमीन के ऊपर स्पॉन होना बंद करो यार। अब यहाँ से ऊपर मैं कैसे जाऊँ? मतलब मैं अंबानी बनाऊँ इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग कुछ भी करोगे यार हरकतें मेरे साथ। आई एम गोइंग टू डू वन थिंग गाइस, पानी को यहाँ पर मैं भरने वाला हूँ और इधर ही मैं अपने लिए एक लिफ्ट लगाने वाला हूँ। ए देखो गाइस स्मार्टी बाय का बिग ब्रेन।
लेट्स गो। यहाँ से आएंगे आगे के लिए। देखो यार कितना सारा आयन है भाई यहाँ पे पड़ा हुआ, यार मजा ही आ गया गाइस देखकर, मजा। एंड आज गाइस जितना भी ओपी सामान मैं निकाल सकता हूँ, जितने भी आयन हो चाहे जितने भी डायमंड्स हो, अपने को बिल्कुल भी आज वो नहीं करनी है माइनिंग वगैरह, कुछ भी नहीं। आज पूरा का पूरा जो अपना पेट पालना है ना गाइस, वो पूरा का पूरा मछुआरा बन के ही पालना है। लेट्स गो तबाश, कम ऑन कम ऑन। और मैं सोच रहा हूँ मैं एक और यहाँ पर शिपरक निकालता हूँ, थोड़ा बहुत और आयन निकाला जाए वहां से, उसके बाद अपने किसी और स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके एक और आ चुका है, फसो भाई साहब। ये वाली बोट देखो गाइस, बड़े वाली बोट है, दिस इज नाइस। ओ यस 21 आयरन किंगेट एंड 20 आयरन के नगेट्स, विच इज इनफ। अभी गाइस मैं अपने लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक आर्मर बना सकता हूँ। यस यार मेरे पास बस एक आयरन का इंगेट कम पड़ गया, वरना मेरी ये पैंट भी बन जाती। चलो कोई बात नहीं, उतना तो मैं निकाल ही दूंगा बाद में भी ना। अभी ऐसा करते कुछ और स्ट्रक्चर स्पॉन करवाने की कोशिश करते गाइस, क्योंकि गाइस खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो मुझे यहाँ पर कुछ बजाय एक विलेज के पास जाना पड़ेगा, विलेज ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर मुझे यहाँ पर विलेज को स्पॉन ही करवाना पड़ेगा। अब अगर मुझे विलेज को स्पॉन करवाना है तो मुझे ऐसी क्या चीज की जरूरत हो सकती है जो कि मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के अंदर डाल सकता हूँ। सोचो विलेज के अंदर ऐसा क्या होता है गाइस, विलेज के अंदर होते हैं विलेजर्स। अब विलेजर्स को उठाकर तो मैं यहाँ पर डाल नहीं सकता हूँ ना, तो वो तो नहीं हो सकता है। विलेजर्स के अंदर होते हैं जानवर, नहीं। आयरन गोलम भी होता है, नहीं। अब देखो विलेज के जो हमारे नाम होते हैं वो गाइस इन पेड़ों के ऊपर होते हैं, जैसे कि ओक विलेज, स्प्रूस विलेज एंड ऑल राइट। तो जैसे हमारी वाली शिपरैक बनी है, तो हो सकता है कि हमारा विलेज भी ऐसे करके बन जाए। मैं एक बार इस चीज को ट्राई करने वाला हूँ, ओके। हो सकता है काम ना करे, हो सकता है मुझे कभी भी विलेज की क्राफ्टिंग रेसिपी पता ही ना चले और हम लोग उसको स्पॉन ही ना करवा पाए, और अगर ऐसा होगा तो भाई ये बहुत ही बुरा होगा। ऑलराइट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक सिंपल वाली बनाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे। एंड मैंने प्लैंक्स का काम तो गाइस कर दिया था इससे पहले भी, प्लैंक्स को लगा करते यहाँ पर कुछ भी स्पॉन नहीं होता, नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर अभी लॉग लगाने वाला हूँ एंड प्लीज हो गया। अरे भाई साहब विलेज फिशिंग रॉड, दिस इज सो ओपी गाइस। ओके फाइनली मैं यहाँ पर विलेज को स्पॉन करवा सकता हूँ। मेरे पास अभी एक प्लान है गाइस, एक बहुत ही खुराफाती प्लान। मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ अपने समुद्र के तलवे पे, और यहाँ से नीचे खोद के यहाँ पर मैं छोटी सी जगह बनाकर यहाँ पर मैं विलेज फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करने वाला। लेट्स सी, मैं इस विलेज को गाइस पानी के नीचे यहाँ पर स्पॉन कराना चाहता हूँ। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, टेस्ट किया जाए क्या फर्क पड़ता है। मिले तो है हम लोग, है ना, ऐसे भी आ गया है विलेज, और विलेज यहाँ से ऊपर ही स्पॉन होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरी पूरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इन्होंने। बट देखो यहाँ पर गाइस पूरा का पूरा विलेज स्पॉन हुआ ही हुआ भाई, विलेजर्स तक स्पॉन हो चुके हैं यार। वाओ क्या बात है यार, कसम से। ऑलराइट क्या खास है इस विलेज के अंदर, ओके स्नो वाला विलेज स्पॉन हुआ है। एक तो यहाँ पर है हमारा आयरन गोलम, जिसको मैं मारने वाला नहीं हूँ भाई, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आज तुझे मार के मैं कुछ भी यहाँ पर आयरन वे नहीं निकालने वाला हूँ, आज के रूल के खिलाफ है ये। और इस विलेज के अंदर और क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पर बेड लगा हुआ है, जिसके ऊपर भी यहाँ पर लकड़ियां लगी हुई है भाई साहब। ये हुई ना बात, यहाँ पर मेरे को बहुत सारा आयरन मिला और एक आयरन की चेस्ट प्लेट मिली है, इससे बढ़िया मेरे को लैगिंग मिल जाती है यार, तो ज्यादा अच्छा होता है ना। ओके पहाड़ के दूसरी साइड के लिए आ चुका हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ एक बढ़िया सा विलेज में, ठीक है गाइस। ओके उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत और आयरन मिल जाए। इनफैक्ट आयरन तो बहुत सारा आ चुका है मेरे पास, 27 आयरन के इंगेट आ चुके हैं मेरे पास, जरूरत नहीं है मेरे को वैसे विलेज की। अच्छा मुझे खाने के लिए जरूरत है भाई, इतने सारे विलेज अभी पीछे स्पॉन कर, खाना नहीं निकाल सकता रहा मैं, मतलब भाई दिमाग नाम की चीज नहीं मेरे अंदर। कमन कमन आ गया आ गया आ गया, एक और विलेज आ गया और मेरे चंगुल फंस गया। इस बार आया ना भाई सब एक तगड़े वाला विलेज, नाइस। वो देखो भाई कितना सारा खाना है वहाँ पे, शाबाश, इस विलेज से मैं खुश हुआ। ओके हे बेस तो पूरी 15 आ चुकी है। अरे भाई क्या ये, ओ माय गॉड, वहाँ देखो गाइस एक घर के ऊपर 5 है पूरे के पूरे, वहाँ पर 3-4 है, वहाँ पर 2 है, वहाँ पर देखो 4 है, उधर देखो 3 है, इधर देखो पूरी की पूरी मंडली है, मेरे पीछे भी इनफैक्ट यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं। अरे कम से कम 25-30 विलेजर्स यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। हेलो भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ये देखो यहाँ पे है। ओ माय गॉड ये क्या मजाक चल रहा है गाइस, भाई ये तो मैंने भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था यार यहाँ पे कसम से। अब मैं अगली चीज यहाँ पर क्या बना सकता, आई गेस आई एम स्टैक्ड राइट, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है अपने लिए गाइस, एंड दैट्स इट, हो गया काम। फुल आयरन के आर्मर में मैं आ चुका हूँ, विच इज नाइस। ओके अब मुझे अगली चीज यहाँ पर क्या चाहिए, मैं यहाँ पर इग्लू को भी तो स्पॉन करवा सकता हूँ ना। इग्लू मैं जाने वाला पहले वापस अपने उसी पुराने वाले विलेज में, बिकॉज यहाँ पर मैंने ये वाला घर देखा था ना। यस देखो गाइस इग्लू की फिशिंग रॉड बनाने के लिए मेरे को पूरा भरोसा सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जो कि स्नो के ब्लॉक्स की, गारंटीड गाइस गारंटीड। तुम लोग देखो इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, यस
इग्लू वाले फिशिंग रॉड आ चुकी है, अब यहाँ पर मैं नहीं करने वाला हूँ, अदरवाइज वो वाला इग्लू भी यहीं पर इसी विलेज के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। थोड़ा दूर चलते कहीं पे, ओके, इसी पहाड़ के बैक साइड के लिए छोटी सी झील है यहाँ पर, इस झील के अंदर करते गाइस इग्लू वाला काम। अब देखो इग्लू को मैं यहाँ पर क्यों स्पॉन करवा रहा हूँ, बिकॉज इग्लू के अंदर जो वो सीक्रेट रूम होता है ना गाइस, वहां पर हम लोगों को मिल सकता है गोल्डन एप्पल्स, ओके, जो कि अभी एंड्रू ड्रैगन फाइट के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ओके, हमारा इग्लू आ रहा है और हमारा इग्लू फंस चुका है, लेट्स सी। यस इग्लू ही है ना, यस इग्लू ही है। एंड देखो गाइस यहाँ से आगे जाएंगे और यहाँ से नीचे गाइस हमारा वो सीक्रेट वाला रूम है, लेट्स गो। अभी कितना छोटा है ये वाला सीक्रेट रूम, कितना ज्यादा छोटा था, इसके नीचे है ना, मैंने बोला था ना गाइस। और पर यहाँ पर वो विलेजर नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको निकालने वाला हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। शिपरैक का काम मुझे आई गेस इसके बाद नहीं होने वाला है, मैं इसको फेंकने वाला हूँ। और विलेज फिशिंग रॉड का भी काम तो नहीं है भाई, मेरी गारंटी है। इधर छेद करके पानी डालते हैं और एक और इग्लू वाली फिशिंग रॉड मारते हैं, इनफैक्ट इस छेद को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब लगाते हैं जरा, यस फिशिंग तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ भाई, क्या टेंशन की बात है यार। यस यस सर, चलो बेटा साइड से तोड़ के और यहाँ से इसको निकाल देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए चार गोल्डन एप्पल काफी है गाइस, फिलहाल को चलते वापस अपने विलेज के पास। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई गेस अब मुझे यहाँ पर गाइस जाना चाहिए नेदर के अंदर। नेदर के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल वाला निकालना चाहता हूँ, लेकिन रूइंड पोर्टल को मैं कैसे बना सकता हूँ सोचो। या तो मुझे यहाँ पर गाइस 8 ऑब्सीडियंस की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला निकालने के लिए, बिकॉज ऑब्सीडियन कहाँ से लेकर आऊं भाई, डायमंड सिर्फ एक पड़ा हुआ है मेरे पास। बट जितना मुझे लगता है इतनी टफ क्राफ्टिंग रेसिपी होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर और दिमाग लगाने वाला हूँ। तुम लोग मुझे गाइस और क्या होता है ऐसा रूइन पोर्टल में, या तो सोना होता है, या सोना होता है ना, मेरे को लग गया पता, वहां पर हम लोगों को सोना भी तो मिलता है। सबसे पहले सिंपल फिशिंग रॉड एंड उसके आसपास लगाएंगे सोने को, नहीं नहीं है ओकी, हमें वहां पर फ्लिंट एंड स्टील का काम भी होता है, मैं फ्लिंट एंड स्टील बना के लाने वाला हूँ 8 पूरे, हो सकता है उससे हो जाए हमारा काम। ओके, बहुत सारा शवल आ चुका है, इससे बस फ्लिंट में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। ओ हेलो, कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब, हैं अपनी धुन में चला हुआ बंदा भाई, जा जा जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, हजारों लाखों विलेजर्स है मेरे विलेज के अंदर, तेरी जरूरत नहीं मेरे को। ऑलराइट, ओवरऑल 8 आ चुके हैं, इन 8 को यहाँ पे रख के, 8 को यहाँ पे रख के, ओके ये स्टैक नहीं हो सकते ना, कोई बात ही नहीं है गाइस, इधर ही बनाने वाला हूँ मैं, देखो अभी। ओके, ये आएंगे ऐसे करके बाहर, यहाँ से फिशिंग रॉड को रखेंगे यहाँ पे, सेंटर में डालेंगे सारे के सारे को ऐसे करके, लाइक दिस। ओए आ गया, रूइन पोर्टल बन गया, मतलब क्राफ्टिंग रेसिपीज निकालने में मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ भाई। और ये आई है, ओ माय गॉड, ये तो 1 सेकंड के अंदर स्पॉन हो गया भाई, नाइस लेट्स गो। यहाँ पे देखो कितना सारा गोल्ड है भाई, मजा आने वाला है। और इसके अंदर गाइस हमारी अनब्रेकिंग कच्छा मिल गया था मेरे को, आयरन की लैगिंग, उसको फेंको और इसको बाहर निकाल कर इसको पहनो, ठीक है भाई। एफिशिएंसी 5 वाली गोल्ड की एक्स मिली है गाइस, और मैं सोच रहा हूँ अब जाने वाले हम लोग नेदर के अंदर, तो नेदर के अंदर जाने से पहले खुद को अपग्रेड कर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको बना दिया जाए, ये हमारी काफी एफिशिएंसी 5 वाली गोल्ड की एक्स, अपने लिए एक तलवार बनाई जाए, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, अपने लिए बनाई जाए एक शील्ड, ओके यस। अब इस गोल्ड को भी निकालते हैं और चलते भाई यहाँ से अंदर। इनफैक्ट गाइस मैं पता क्या सोच रहा हूँ ना, आज के दिन में इतने सारे विलेजर्स यहाँ पर जो ये आए हैं ना, इन विलेजर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। आज गाइस मुझे माइनक्राफ्ट को बीट करना सिर्फ और सिर्फ इस फीचर का इस्तेमाल करके, मछुआरे वाले फीचर का, ओके क्या इसको मैं कम्प्लीट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, आई गेस मैं इसको कम्प्लीट कर सकता हूँ, बहुत इजिली कम्प्लीट कर सकता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पे जाएगा, पानी हमारा जाएगा यहाँ पे, यस। और यहाँ से अंदर चलते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली बायोम में पहुंच चुका हूँ गाइस। मैंने तुम लोगों को बोला गाइस आज मैं यहाँ पर एक ओपी मछुआरा बना है, मैं काम करेगा तो सिर्फ उसे मछुआरा बन के। मैं यहाँ पर ना ही फोटो ढूंढने वाला हूँ, ना ही मैं यहाँ पर फोटो ढूंढने वाला हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर गाइस बैशन ढूंढने वाला हूँ, ओके। तो मेरे खुराफाती दिमाग में भी एक आइडिया आया हुआ है, यहाँ से निकालने वाला सबसे पहले है बहुत सारा नेदर रैक, ओके। यहाँ से गाइस मैंने इतना सारा नेदर रैक क्यों निकाला मैं तुम लोगों को ही बताता हूँ, कमॉन कमॉन कमॉन, मेरे पीछे वो सुअर पड़ चुके हैं यार। एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज गाइस, मुझे तुम लोगों ने लास्ट बार जब मैंने ऐसे चैलेंज किया था, तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ही काम की चीज बताई थी, जो कि गाइस आई एम सरप्राइज कि अभी तक मुझे पता नहीं कि काम करता है कि नहीं करता, कि मैं इसको स्मेल्ट करूंगा। तो ये मुझे यहाँ पर नेदर की ब्रिक्स देने वाली है, या तो फिर नेदर के प्लैंक्स देने वाले हैं, लेट्स सी क्या देता है। इसको स्मेल्ट करने के बाद आने वाले हैं गाइस नेदर ब्रिक, एंड नेदर ब्रिक के साथ मैं यहाँ पर बना सकता हूँ नेदर ब्रिक्स के ब्लॉक्स। एंड मेरे को पूरा यकीन है गाइस, जो हमारी अगली क्राफ्टिंग रेसिपी होने वाली है ना, एक पूरे के पूरे फोर्ट्रेस की, वो यही होने वाली है।
इट्स माय गारंटी, तुम लोग देख लेना, लिख के ले लो तुम लोग, मुझसे वही होने वाली है। इतना तो भाई मैं माइनक्राफ्ट खेल चुका हूँ और इतना प्रो तो मैं बन चुका हूँ भाई। और गाइस मैं अभी यहाँ पर ना बैशन को स्पॉन नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज तुम लोगों को ऑलरेडी पता है जैसे ही बैशन को मैं यहाँ पर स्पॉन करवाता हूँ ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो जितने भी हमारे पिगलिंस होते हैं वो सारे के सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मैं उनसे ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं उनसे ट्रेडिंग कर नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा उनको स्पॉन करवाने का, मुझे बताओ। ओके, मैं अभी यहाँ पर अपनी थ्योरी को टेस्ट करने वाला हूँ। यस, नेदर की ब्रिक्स यहाँ पर बन चुकी है, दिस इज परफेक्ट। ओके, अपने लिए मैं तीन और ये बनाने वाला हूँ, फर्नेस 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर मैं ये इक्वली यहाँ पर डाल देने वाला हूँ, और इधर मैं यहाँ पर गाइस इक्वली इसको डाल देने वाला हूँ, दैट्स इट, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी बने। इतना सबर नहीं है मेरे पास यार, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नेदर फोर्ट्रेस बनेगा कि नहीं बनेगा अभी हमारा। ऑल राइट, बहुत सारी नेदर की ब्रिक्स आ चुकी है, ओवरऑल आ चुके 14, इसको लगाएंगे यहाँ पे, और हमारी जो सिंपल वाली फिशिंग रॉड उसको लगाएंगे यहाँ पर, शायद हो जाएगा। यस, हो गया, नेदर फोर्ट्रेस फिशिंग रॉड, यस, दिस इज परफेक्ट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा दूर जाकर स्पॉन करवाने वाला अभी, तुम्हारा मछुआरा भाई बहुत ज्यादा ओपी है गाइस। चलो अब और यहाँ पर गाइस मछुआरा गिरी दिखाई जाए अपनी, आला रे आला, नेदर फोर्ट्रेस आला, कहाँ पर आएगा, मेरा गेम ही हैंग होगी भाई। ओ माय गॉड, ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने स्पॉन हो रहा है यार। और गाइस मुझे वहां पर दिख चुका है स्पॉनर, और जब तक यहाँ पे रात नहीं होती ना तब तक वहां पर ब्लेजर स्पॉन नहीं होगी, तब तक ऐसा करते हम लोग एंडर पर्ल्स का जुगाड़ करते हैं। अब गाइस एंडर पर्ल्स के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ से मैं बहुत सारी लकड़ियां निकालने वाला, सबसे पहले इधर से बनाएंगे बहुत सारे ये स्लैब्स, स्लैब्स से बनाने वाला बहुत सारे कंपोस्टर में। अब देखो गाइस जो ये 5 कंपोस्टर आयरन का क्या मस्त काम है। सबसे पहले तो मैं इन लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला हूँ बहुत सारे हमारे फार्मर्स में, और ये फार्मर गाइस हमारे साथ डील करने वाले व्हीट में बहुत सारे एमरल्ड्स को। ओके, और यहाँ पर इतनी सारी व्हीट है कि भाई जिंदगी बीत जाएगी व्हीट को निकालते निकालते। ओके साहब दे दो, यस। और इसके अलावा जो मेरे पास एक ही ब्रूइंग स्टैंड पड़ी है ना, एक ना एक ब्रूइंग स्टैंड के साथ मैं यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड वाला बंदा बनाना चाहता हूँ। कहाँ है, क्या आप में से कोई बनेगा साहब जी, बन जाइए। बिकॉज जो गाइस क्लेरिक होते हैं ना उसके पास भी एक चांस होता है कि वो हमारे साथ एंडर पर्ल में ट्रेड कर सकता है। अरे जल्दी बन जाओ यार, एक मछुआरे की रिक्वेस्ट है यार, गरीब आदमी हो यार, कर दो यार। ओ बन गया, शाबाश। वैसे मैं मजाक कर रहा था सर आपसे, मैं कोई गरीब बंदा नहीं हूँ, मैं उस माटी पाए था अंबानी मछुआरा। ओके, अपना लेवल अप करो, मैं तब तक आपके लिए और बहुत सारे एमराल्ड्स लेकर आता हूँ। ओके साहब 22 और लेकर आ चुका हूँ, कहाँ है शाबाश, आ रहा भाई। ओ चल अब तो ऐसा कर, मेरे को तू लैपिस लजूली दे, बहुत सारे लैपिस लजूली दे, कोई टेंशन नहीं है, और लेकर आता सर मैं आपके लिए। अभी ये क्या मजाक हो रहा है, 20 दे रहा था ये, पहले अब 28 में दे रहा है, ये बंदा तो स्कैम कर रहा है। अरे भाई जैसे जैसे हम लोग फिलेजर्स के साथ ट्रेड करते हैं वो सस्ती करते हैं ट्रेड, ये बंदा महंगी कर रहा है ट्रेड। तेरे को मैं ऐसा मारने वाला हूँ ना अभी यहाँ पे ना सबके सामने ना, कपड़े उतार के वो भी कसम से। अगर थोड़ा सा दिमाग खराब कर दिया तूने, मैंने इसको गलती कर दी बोल के भाई मैं स्मार्टी पैदा अंबानी मछुआरा हूँ यार। आ जा शाबाश बेटा, कमान। ओके मेरे और कम पड़ चुके, मुझे और चाहिए। ओके मेरे शरीर में जान नहीं बची, खाना भी खत्म हो गया, मैं गरीब हो चुका हूँ फिर से, बची हुई वीट के मैं यहाँ पर ब्रेड बना के खा लेता हूँ यार, और क्या करना। और इसको देखो भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के हैं, पत्तियों को निहार रहे हैं, इस बंदे की अलग ही फैंटेसी है कसम से। ओके मुझे यहाँ पर एक और विलेज को स्पॉन करवाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास वीट खत्म हो चुकी है गाइस। इधर ही मुंह के सामने स्पॉन करवा देते हैं एक और विलेज को, और एक और विलेज वापस स्पॉन हो चुका। नहीं यार फोर्ट्रेस के साथ मिक्स मत हो जाइए प्लीज, ये ऐसी हरकतें करनी जरूरी है यार। ऑल राइट, बहुत सारा भाई यहाँ पर माल पड़ा, वो उठाओ सारा का सारा। कहाँ है भाई स्कैमर, ये हमारा स्कैमर, ये तो हमारा दूसरा बंदा है। ओके गाइस एक बहुत ही मस्त चीज हुई है, मैंने भी देखी, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ देखो मेरे को एक नया वाला बंदा मिला है, मैं इस नए वाले बंदे के साथ करता हूँ ना ट्रेड, ये सस्ती देगा वो, क्योंकि 28 में दे रहा था। दैट्स इट, लेट्स गो, शाबाश। यहाँ पर हमारा क्लैरिक बंदा, अब तो ये बंदा यहाँ पर अपने ट्रेड को ऊपर करने वाला है गाइस। ऑल राइट, नीचे गिर गए मेरे एमरल्ड सर जी, नीचे गिर चुके, वापस आ जाओ यार, ऐसी हरकतें मत करो यार। इधर ओपी फिशरमैन बनाओ कि भाई नजर लग चुके लोगों की यार कसम से। लेट्स सी, यस देखो एंडर पर्ल्स, ये है एटलीस्ट एक एंडर पर्ल अभी आ चुके हैं, मुझे यहाँ से बहुत सारे एंडर पर्ल चाहिए। देखो गाइस मुझे पूरा यकीन है जो हम लोगों को यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए फिशिंग रॉड बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए मुझे आई ऑफ एंडर्स की ही जरूरत पड़ने वाली है, इतना मेरा बिग ब्रेन बोलता है। तो मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे एमराल्ड्स निकालने पड़ेंगे, और देखो भाई मुंह के सामने इतने सारे हेबल्स मेरे बच गए थे, उठाओ भाई सारे के सारे, आ जाओ भैया जी। ओके मैं इसी बंदे के साथ ट्रेड जो कर सकता हूँ यार, ये बंदा गोल्ड के बदले एमराल्ड्स दे रहा है, देखो पूरे 17 आ चुके हैं, एंड ओवरऑल मैं इससे निकाल सकता हूँ पूरी 5 पर्ल्स।
दिस इज जस्ट परफेक्ट, आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश। जिस कदम पर स्मार्टी पाई ने क्या किया गाइस, तुम लोग यहाँ पर देखो बहुत सारे पर्ल्स निकाले हैं। अभी इसकी ट्रेड यहाँ पर बंद हो चुकी है, अगले दिन ये यहाँ पर रिस्टॉक जरूर करने वाला है, देन बाकी के निकाल देंगे। एंड अब बस गाइस यहाँ पर रात होने का वेट करने वाला हूँ, रात को जाएंगे ब्लेज मारने के लिए। जैसे सुबह होगी ये बंदा रिस्टॉक कर देगा, इससे निकालेंगे और बहुत सारी पर्ल्स, देन हम लोग फाइनली गाइस एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए जा सकते हैं। और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, एंड के अंदर गाइस मैं एक और चीज को स्पॉन करने वाला, तुम लोग दिमाग लगा सकते तो लगाओ भाई, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। रात हो चुकी है एंड लेट्स गो अप। यस, स्पॉनर के पास भी पहुंच चुके हैं गाइस, ये है, आ जाओ, शाबाश शाबाश, यस शाबाश, आ गया शाबाश, आ रहा बेटा, यहाँ से बाहर क्या करे सर जी आप, एक गोल्डन एप्पल खाते हैं और जय माता दी गाइस। ओके भाई अब तो सुबह हो चुकी है, भैया अब तो कर दी होगी आपने ट्रेड रिफ्रेश, नहीं इसने नहीं करी है, कोई बात नहीं तू मत कर बेटा, मैं इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पर मैं किसी और बंदे को सेम जॉब देने वाला हूँ, समझा बच्चे, तू बाहर में जा, तेरी जरूरत है मेरे को बच्चे। हाँ जी सर, आप आएंगे शाबाश, अब आपको मैं फिर से आप अपग्रेड करने वाला हूँ। Much, much, much later. Yes, ये बंदा दे रहा है, ये देख बदसूरत कहाँ गया वो वाला बंदा। हाँ भाई बदसूरत उधर ही बातें करता है उसके साथ, तू समझा, तेरे दूसरे भाई ने मेरे को यहाँ पर एक अच्छी वाली ट्रेड दे भी दी है। Yes. Yes. दे दे भाई, ओवरऑल 20 आ चुके हैं मेरे पास एंड 20 इज मोर देन इनफ। ओके, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ ना गाइस कसम से, मेरे को एक बार टेस्ट कर देना चाहिए था, मुझे एक्चुअली एक बार यहाँ पे टेस्ट कर देना चाहिए था कि जब मैं ये 8 आई ऑफ एंडर्स को यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल के अंदर रखूंगा तो ये एक्चुअल में कन्वर्ट होने वाला है। ओ माय गॉड, अगर ये यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तो मैंने इतनी ज्यादा जो मेहनत करी गाइस, लिटरली स्पीकिंग मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा एक्स्ट्रा लग चुका है, वो वेस्ट हो जाएगा। प्लीज दे दियो, प्लीज दे दियो। ओ दे रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड फिशिंग रॉड, मैंने क्या बोला था। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे एक्चुअली टेस्ट कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं भाई, टेस्ट करने की जरूरत क्या यार, तुम्हारा स्मार्टी पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सहायता करी है हमारी। स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पर मैं निकालने के लिए जाने वाला हूँ बैक साइड के लिए, इधर के लिए। ओके बिकॉज यहाँ पर खाली इलाका है, देखो हमारा जो वो फोर्ट्रेस है वहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मजा आएगा अभी। शाबाश, आ रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड गाइस इसी के साथ कहा है हमारा सोकोट। ओके मुंह के सामने देखो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला है। यस मेरे पास खाना नहीं है एंड मुझे खाने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बची हुई है ना हे बेल्स, इसको मैं नीचे गिरा देता हूँ, इससे हमारी थोड़ी बहुत ब्रेड तो बनी जाएगी और थोड़ी बहुत ब्रेड यहाँ पर भी पड़ी हुई है। नाइस, ओवरऑल 12 आई है गाइस, 12 तो बहुत है। लेट्स गो नाउ, पधार चुके हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। ये वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड गाइस एक्चुअली बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, ना हवा में लटकता हुआ यार। ओ दिख गया, यस थोड़ा भाई इसको फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मैडम जी आपको, क्या मुझे मार सकते हो। और कितने लगे, 2 ऑलरेडी लगे, मतलब मुझे 10 की जरूरत है, 2 मेरे पर्ल्स यहाँ पर एग्जैक्ट सेफ है, 5 ब्लेज रॉड बल्कि मैंने एक्स्ट्रा ही निकाली, मैं अभी बेवकूफ एक नंबर का। यस लेट्स गो गाइस, अभी मैं एक ऐसा करिश्मा करके दिखाने वाला हूँ ना अंदर कि मेरे को बाहर अपना स्पॉन पॉइंट सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तुम लोग देखो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला, कितना यूनिक एंड है यार ये वाला, बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से ऊपर जाने से पहले भी ये निकालने वाला हूँ, तुम लोग देखो जो मुझे लगता है। ओके गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पर इस फिशिंग रॉड को सेंटर पे रखता हूँ और इसके आसपास यहाँ पर एंड स्टोन को रखता हूँ तो क्या यहाँ पर होता है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे दूसरी क्राफ्टिंग रेसिपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फटाफट और ये ब्लॉक्स निकालने वाला हूँ, यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ पूरे के पूरे 32 एंड के स्टोन्स, मुझे लग रहा है इससे यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा एंड यस देखो यहाँ पर हो गया, ये है गाइस हमारी एंड सिटी वाली फिशिंग रॉड। ऑल राइट एवरीवन, अब गाइस मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एक पूरी की पूरी एंड सिटी को। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई मेरे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लाइक पेपर्स एंड ऑल जिससे मैं अपने लिए फायर रॉकेट्स बना सकूं, अगर मुझे एंड सिटी से यहाँ पे इलाइट्रा चाहिए होगी। तुम लोगों को लगता है कि मैं इलाइट्रा को लेकर मैं इसको बदसूरत को मारने के लिए जाऊंगा, इसको मारने के लिए मुझे इलाइट्रा की जरूरत नहीं है गाइस, इसको मैं ऐसे भी मार सकता हूँ। ये जो एंड सिटी की फिशिंग रॉड है इसके साथ में कुछ और करने वाला हूँ, ट्राई करते एक बार अभी और इसी वक्त एक बार मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। और इस डायरेक्शन में चाहता हूँ मैं कि ये हमारी एंड सिटी पैदा हो जाए, अपने को इलेक्ट्रा का कोई काम नहीं है गाइस, इलेक्ट्रा के साथ में बहुत बार आइलैंड में बिना इलेक्ट्रा के आदमी कुछ यहाँ पर करने वाला हूँ। कमॉन इसकी बाज छोड़ने से पहले मेरे को यहाँ पर एक एंड सिटी को स्पॉन करवाना है, कमॉन जल्दी जल्दी, आ गया यस। और देखो यहाँ पर स्पॉन हो रही है, स्पॉन हो रही है, स्पॉन हो रही है, शाबाश। तो जो ये हमारी स्पॉन हुई है जमीन से ऊपर स्पॉन हुई है ना,
मुझे एक्चुअली लग रहा था कि शायद से जमीन से नीचे स्पॉन हो सकती है। नो दिस इज नॉट गुड। इस कोरस फ्रूट को निकाल के रखता, कोरस फ्रूट इज अ वेरी गुड थिंग। खाएंगे जरा। यस, टेलीपोर्ट करने के लिए बेस्ट है ना ये। अब देखो गाइस मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। सेंटर में पानी को डालेंगे और सेंटर में फिशिंग रॉड को मारेंगे एंड सेंटर में गाइस यहां पर एक एंटर सिटी को स्पॉन करवाएंगे। लेट्स सी कि स्पॉन होती है कि नहीं होती है। आज मैं इस जगह पर बहुत सारी एंटर सिटीज को स्पॉन करने वाला हूं बिकॉज मैं अपनी एंडर ड्रैगन को कंफ्यूज करना चाहता हूं। उसको ये सेंटर वाला दिखना ही नहीं चाहिए कि नीचे कहां पर आते हैं। मेरा ये प्लान है, इसको ट्रोल करना है बेसिकली। मैंने बहुत ज्यादा बास मार दिया। कमन 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 स्मार्टी पाए, कमन स्मार्टी पाए। आ गई एक और। शाबाश बेटा, वेरी नाइस। यहाँ पर भी एक और एंटिटी आ चुकी है। देखो इसके जो पर्च करने की जगह है ना, वहां पर एक एंटिटी आ चुकी है और मेरा पानी यहाँ पर है। वापस ओ, मरियो मत, मरियो मत, मरियो मत, मैं मरने वाला हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पर इग्लू वाली फिशिंग रॉड है ना भैया। दो मिनट यार, दो मिनट रुको गाइस। ऐसा करता हूँ, एक मैं यहाँ पर ना इग्लू को स्पॉन करवा कर एक गोल्डन एप्पल ही निकाल देता हूँ। यार खाने की कमी हो रही है, मैं अपने खाना ही लेकर नहीं आया भाई। मैं कितना मंदबुद्धि बनता हूँ। ओके थोड़ा सा इंतजार कर, एंटर ड्रैगन को मैं खतरनाक वाला ट्रोल करने वाला कसम से। यस, चलो भाई यहाँ से अंदर। चलो सर जी इसको हटाओ और एक गोल्डन एप्पल मुझे बाहर वापस चाहिए। ये रुइन पोर्टल वाला मैं ऊपर वापस डाल रहा हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो रुइन पोर्टल को स्पॉन करवा के बहुत सारा गोल्ड निकाल सकता हूँ एंड वहां पर मैं एप्पल को कन्वर्ट कर सकता हूँ गोल्डन एप्पल्स में, विच इज मोर कन्वीनियंट। स्ट्रॉन्ग गोल्ड वाली फिशिंग रॉड की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। और मेरा पानी खत्म हो गया तो इसी को तोड़कर पानी निकाल देते हैं। एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था कि मेरा पानी ही भाई यहाँ पर खत्म हो गया। यार भाई जब तक पानी जिंदगी में तब तक मैं मछुआरा हूँ। पानी जैसे गायब होगा मेरी मछुआरा गिरी का कोई फायदा नहीं है। ओके एक रुइन पोर्टल फटाफट यहाँ पर स्पॉन करते हैं। कम ऑन। यस नाइस। ओके यहाँ पर देखो गाइस एक एंड ओवरऑल दो आए हैं जिसकी वजह से मैं पूरे के पूरे दो गोल्डन एप्पल्स बना सकता हूँ, विच इज मोर कन्वीनियंट देन इग्लू। ओके इस ऑप्शन को ही मैं रखने वाला अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से अंदर चलो एक बार। नहीं उड़ा देगी भाई इस पार्टी पे। क्या करो मैं चुपचाप से सेंटर में चले यार, अजीब आदमी हो कसम से। एंड सिटी की दो, इधर एक और एंड सिटी उगाने वाला हूं मैं। इसको मैं और कंफ्यूज करने वाला हूं अभी। कम ऑन एंड सिटी, कम ऑन एंड सिटी, कम ऑन एंड सिटी, कम ऑन एंड सिटी। बहुत बास मार दिया सेंटी ने वहां पे यार कसम से। मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है यार, देखो आगे के सामने। दो मिनट रुक जा, क्रॉल कर रहा तेरे को मैं। ओके गाइस मैंने अभी एक और चीज यहाँ पे नोटिस करी है, वो देखो वहाँ पे अभी अभी एंडर ड्रैगन ऊपर से नीचे के लिए आई थी एंड गलती से उसने यहाँ पर ऊपर एक चेस्ट तोड़ी, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर एक ये आई है और एक ये आई है प्रोटेक्शन 4 वाली। तू तो गई, तूने अपनी खुद की यहाँ पर मौत को बुलावा दे दिया है। बट देखो गाइस मैंने यहाँ पर क्या क्या स्पॉन करवा दिया, विलेज स्पॉन करवा दिया इधर उधर, इतने सारे हमारे विलेजर्स आ चुके हैं, इतनी सारी एंड सिटीज आ चुकी है। मैं बेसिकली इसका ना पाथ यहाँ पर ब्लॉक करना चाहता था बट स्टिल यहाँ पर ना रास्ता कोई ना कोई खोज ही देती है ऊपर से नीचे आने के लिए। Oh my God, let's go. अभी एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ गाइज नो ओके गोल्डन एप्पल खाया जाए और शुरुआत की जाए गाइज इनको फोड़ने की। यस सेकंड वाला भी फूट चुका है। नाइस अब हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे के लिए। अभी जो मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर स्पॉन करी है ना गाइस, थोड़ा इसको कंफ्यूज रखते हैं जब तक हम लोग यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं आराम से, ताकि हम कोई तंग ना करे। ये भी फूट चुका है, लेट्स गो डाउन। ओके ये वाला देखो कितना मस्त है, इसको जैसे ही फोड़ूंगा यहाँ से मैं डायरेक्ट एंटी सिटी के अंदर गाइस एंट्री मार सकता हूँ। This was epic guys, seriously. Oh my God. और एक साइड से मेरे को इसके ऊपर के लिए गद्दे, मैं मर सकता हूँ अभी नीचे करके पक्का, पर मैं बच जाऊंगा मुझे पूरा यकीन है, मेरे को पूरा यकीन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई जी, हम लोग यहाँ से जाएंगे ना ऊपर के लिए। डायरेक्ट इसके ऊपर, डायरेक्ट इसके ऊपर। खाना खा ले एक बार, खाना खा ले एक बार। कमॉन 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 कमॉन। ये मैं मर सकता ना अभी कसम से। Oh my God. And अब गाइस हमारा ये आखिरी वाला बच्चा है, इसके ऊपर तो मैं ऐसे ही करके जाने वाला हूँ। And that's it, हो गया। नहीं वहाँ पर एक और बच्चा हुआ है और ये ड्रैगन बहुत ज्यादा तेज है कसम से, सारी की सारी एंटिटीज में छेद करके अरे परे भाग रहा है। मुझे लगा था कि शायद से ये कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं 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 बेटा, आप मुझे उड़ा नहीं सकते हो, हमारे पास शील्ड है, इतना गरीब ना समझो आप हमको। अरे यार एक तो सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ पर इनको स्पॉन करवा के, इन लोगों ने अलग दिमाग खराब किया हुआ है शल्कर वालों ने, हवा में उड़ा रहे बार बार। हालांकि मैं इसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर फिर से उड़ा दे ऊपर, दिमाग हो जाएगा मेरा खराब शलकर। दो मिनट रुक जाओ यार, ठंड पा लो थोड़ी सी यार। ऑल राइट अब मैं और एंडर ड्रैगन अकेले बच चुके गाइस यहाँ पे, दैट्स इट। ओके मैं बड़े ही आराम से यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ एंड अपने विलेज के बीच में जाके गायब हो जाने वाला। आ जा भाई एंडर ड्रैगन, आज तेरे को पता चलेगा, आज तो मैं ऐसे ही भागने वाला हूँ ऐसे परे ले एकदम फ्रीली तेरे एंड में। अब बात छोड़ के दिखा कहाँ गायब हो रही है, अब बात छोड़ के दिखा आंटी, आ जा बात छोड़ के दिखा।
यार नहीं नहीं गंद नहीं पानी अभी तेरे से तो मैं अपने स्ट्रक्चर्स के पीछे छुपने वाला हूँ। इनफैक्ट गाइस यू नो रिस्क नहीं लेते हैं, अपने मछुआरे स्किल्स का पूरा फायदा उठाते हैं। गाइस रुइंड पोर्टल में एक और पैदा करवा देता हूँ यहाँ पे, मुझे एक या दो और गोल्डन एप्पल्स की जरूरत पड़ने वाली है। आजा आंटी आजा, मैं यहाँ छुपा रहूंगा। ले फिर से बात छोड़ दी इसने, कोई बात नहीं। ऑल राइट लेट्स गो। तुझे लगा तू मुझे उड़ा देगी पर तू मुझे नहीं उड़ा सकती है गंदी आंटी। भाई एक्चुअली उड़ाने वाली थी। ओके यहाँ से अंदर चलो एंड इधर ही मैं सेफ हूँ अपने खुद के बनाए हुए स्ट्रक्चर के नीचे। इधर से आएंगे बहुत सारे ये और यहाँ से हमारे 3 गोल्डन एप्पल्स बन जाएंगे जो कि इसकी वाट लगाने के लिए काफी है। और तू मेरे ये स्ट्रक्चर तोड़ना बंद कर, मैंने बहुत मेहनत से उगाए हैं ये। तोड़ तोड़ के देखो क्या कर दिया इसने एंटी सिटी का, बदसूरत बना दी यार कसम से। भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। शाबाश शाबाश शाबाश, बच गया ये बंदा अभी। मुझे लगा गया। अबे यार उड़ा देती है एक सेकंड में ही, कसम से क्या कर दिया मैंने। देखो यार ओ माय गॉड, अपनी फिशिंग स्किल्स का मैंने कुछ ज्यादा ही दुरुपयोग कर दिया यार। एंडरमैन भी खजल हो गए हैं यहाँ के, भाई क्या कर दिया इस बंदे ने। ओके इस बंदे ने गेड़ा दिया इनको मारने में। भाई तू अलग ही है भाई साहब, तू खतरनाक बंदा भाई, घर में घुस के मार रहे हैं इन लोगों को। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। A few moments later. हमारा बेचारा आयरन गोलम शहीद हो चुका है गाइस। पॉपी छोड़ कर गया है और 3 आयरन के इंगेट छोड़ कर गया है जिससे मैं एक पिकैक्स बना सकता है। एक्चुअली थैंक यू यार, मरते मरते भी तूने भाई अच्छा ही काम किया मेरे लिए। ऑल राइट अब समय आ चुका है हमारी एंडर ड्रैगन की कुटाई का गाइस। अब इसको मैं कूटता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, उछल उछल के मारता हूँ ऐसे की तैसी। अब बोल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तेरे को। उड़ा उड़ा शाबाश, उड़ा जितना उड़ा सकते उड़ा, खाने की कमी नहीं है आज तो। भाई मैं फॉरेन का फूड लेकर अपने लिए खाने के लिए कोरस फ्रूट पटाखे। देखो ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा हेल्थ जा रही है। ओपी है तुम्हारा भाई। अब समय आ चुका गाइस इस आंटी को असली वाला दुख दर्द देने का, ठीक है। अब तू नीचे आ, तेरे को बताता हूँ मैंने इतनी मेहनत से एंसिटी बनाई है पूरी वेस्ट करी है। आजा थोड़ा पहले फट गया और मेरे सारे के सारे TNTs वेस्ट हो चुके हैं गाइस। आ जा बेटा अब तो मैंने सही टाइम पे फाड़े होंगे। ये हेल्थ गई है इसकी, यस गई है इसकी हेल्थ। खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, हेल्थ रिस्टोर करो और मारो और मारो और मारो। ओके भागे फिर से, मरने वाली शाबाश, मछुआरा बनके मैं जीतने वाला हूँ। ओ एक सेकंड, मैं इसको अगर एक अपनी ओपी वाली फिशिंग रॉड से मारूंगा तो मरेगी। तेरी इतनी मजाक, तू मछुआरे बनने से पंगे लेगी। ले ले ओ माय गॉड, थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा है ये भी, है ना। ओके लास्ट शॉट तो मैं इसी से मारने वाला हूँ डेफिनेटली। ये मर रही है मर रही है मर रही है मर रही है, लास्ट के शॉट फिशिंग रॉड से एंड कर दिया मैंने इसको। एक फिशिंग रॉड से मारा मैंने इसको। आई मीन आर यू सीरियस, कितने बुरे हाल है भाई सैंडर ड्रैगनी के। मर ऐसी की तैसी। और गाइस ये था आज का चैलेंज, बहुत सारा मजा आया सीरियसली इतने सारे ओपी स्ट्रक्चर्स को खुद फिशिंग रॉड से निकलवा के। और गाइस तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 2 लाख लाइक का। और मिलता आप लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम, बाय बाय।